जय जोहार छत्तीसगढ़। तो मैं जो अभी हूँ ब्रह्मो माउंटेन के बीचों बीच हूँ, सनराइज़ वाला पॉइंट ले लिया है। कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बोल रहा हूँ तो आजू बाजू के लोग देख रहे हैं। मैं आपको रोड दिखाऊंगा, यहाँ के रोड किस तरीके से चढ़ाव ढलान उबड़ खाबड़ और पर्वतों के मतलब माउंटेन के बीचों से है, तो जीप में ही आना पॉसिबल है। पूरा सनराइज़ हो गया है अभी। और हमको जो ड्राइवर ने बुलाया था 6 बजे तक पहुंच जाने को, क्योंकि आप भीड़ देख सकते हो, इस भीड़ के साथ अगर हम थोड़ा लेट हो जाएंगे ना तो रास्ते में इतने ट्रैफिक मिलेंगे कि हम लोग को 5 स्पॉट कवर करने हैं आज ही के दिन में। तो 6 बजे तक का टाइम दिया उसने गाड़ी तक पहुंच जाने का, तो हम गाड़ी तक पहुँच जाएँगे 6 बजे तक। अभी ऑलमोस्ट 5:30 हो रहा है और भीड़ भड़ाका देख रहे हो। अगर इस भीड़ भड़ाके के वेट करते रहे ना, मैं आपको आगे दिखाऊंगा रोड वगैरह ये सब चीज़ें, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि मैं 6 बजे तक वहाँ क्यों पहुँचना चाह रहा हूँ। और 6 बजे पहुँचेंगे तो हम सबसे पहले जल्दी निकलने वाले होंगे, तो हम लोग को उतना ट्रैफिक मिलेगा नहीं। हेलो हेलो। सो बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया अभी, क्योंकि ब्लॉगर्स और ये सब चीज़ें आके इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो लोगों को ज़्यादा पता चल पा रहा है इस जगह के बारे में। तो अब भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो रहा है। इंडोनेशियन लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ओह शिट। जितने भी हैं सब फॉरेनर ही यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। मैंने ये की चेन लिया है जिसमें ये फ्लावर को भर के रखे हैं। ये जो फ्लावर है ना कभी मरता नहीं है, इसीलिए मैं ये ले रहा हूँ। वैसे तो इसने बोला 100 रुपये, 50 रुपये में ले लिया मोल भाव करके। थैंक यू। ये इस तरीके का कलेक्शन में है। मैंने ये की चेन लिया है। नीचे और जाऊँगा ना तो देखते हैं वहाँ कम से कम सस्ते में मिल जाए, या मेरे को महंगा लग रहा है तो देखते हैं नीचे अपने को कितना मिलेगा। बट अब सूरज आ चुका है ऊपर, लोगों का कारवा जा रहा है वापस, तो अपने को भी अपने जगह पे जल्दी पहुंचना है ताकि ट्रैफिक ना मिले और हम अपने पांचों के पांचों स्पॉट को कवर कर पाएँ। बट यार अभी तक मैंने एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं किया है, तो कम से कम 1-2 फ़ोटो तो क्लिक कर लूँ। तो जो आप मेरे आगे पीछे जो जीप देख रहे हो, इसी जीप में ही ट्रैवल कर पाना यहाँ पर पॉसिबल है। दूसरे गाड़ी में यहाँ पर आ पाना इम्पॉसिबल है। और क्या कारण है ना, जब आगे हम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना तो आपको शूट करूँगा ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इम्पॉसिबल है। बाइक्स राइड कर सकते हो अगर आप प्रो हो बाइक राइडिंग में, क्योंकि बहुत ख़तरनाक रोड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रोड है। तो आपको ज़्यादातर अगर प्रो हो बाइक राइड करने का तो ही कर सकते हो। ये अपनी कार है जो हमें रात को पिकअप करी, सुबह सनराइज़ पॉइंट तक लेके आई। और क्या कारण था जल्दी बुलाने का, यही आप ट्रैफिक देख सकते हो यहाँ पे, कि अभी तो शुरू हुआ है। और अभी जो मेरे दूसरे जो हैं यहाँ पे जिनके साथ मैं आया हूँ, वो अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं है कार तक। अब देखना कितना ट्रैफिक होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो ट्रैफिक होना तो जाहिर सी बात है होगा। इसी ट्रैफिक की बात कर रहा था हमारा ड्राइवर, लंबा जाम लगा हुआ है, नीचे तक लगा हुआ है
देख रहे हो लंबा जाम लगा हुआ है, गाड़ी आ रही है जा रही है दोनों हो रही है। पता नहीं कितना टाइम तक ये जाम रहेगा, क्या हम 5 पॉइंट कवर अप कर पाएंगे या 1-2 पॉइंट एस्केप करवाएगा। पैसा तो पूरा दिया है, एस्केप तो नहीं करेगा।